ये है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड। इसकी पहले वायरिंग कनेक्शन करते हैं। आप ले लीजिए एक वायर। वायर का एक सिरा ये वाले पॉइंट पे लगा लीजिए। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइए ये वाले पॉइंट पे। आप इस बोर्ड की वायरिंग देखने के बाद आप हर प्रकार के बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन कर पाएंगे खुद से, किसी की हेल्प लिए बगैर। इसके अलावा आप ले लीजिए इस तरह का वायर जिसको ऊपर का कवर निकला हो। इस वायर को आप लगा दीजिए ये वाले पॉइंट पे। कुछ इस प्रकार से ये वाले पे लगा लेने के बाद आप लगाइए ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पे इसको आप लगा दीजिए। इस प्रकार से इधर सभी नट से अलग रखिए, इधर पॉइंट है इससे अलग रखिए। इस तरह से लगा दीजिए आप ताकि इनको छुए न। आप ले लीजिए वायर। वायर का एक सिरा आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे वायर का ये वाला सिरा आप लगा दीजिए ये वाले पॉइंट पे। इसमें सिंगल पोल एमसीबी भी लगाएंगे। जब आपके घर में ओवरलोड होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तब एमसीबी बंद हो जाएगी, और एमसीबी बंद होगी उसी के साथ इंडिकेटर जलेगा। उसमें आपको पता लग जाएगा इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब एमसीबी बंद हो चुकी है। आप ले लीजिए अब एमसीबी। ये सिंगल पोल एमसीबी है। एमसीबी के इस पॉइंट पे वायर को लगा दीजिए। इस तरह से सप्लाई वाली वायर ले लीजिए। सप्लाई की वायर में से दो वायर हैं, रेड और ब्लैक वायर। सप्लाई की रेड वायर को आप एमसीबी के इस पॉइंट पे लगा लीजिए। इस टाइप से सप्लाई की ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों को बोर्ड के अंदर डाल लीजिए।
इस तरह की आप एमसीबी लेते हैं तो इस प्रकार से आपको बोर्ड के पास लगानी होगी सिंगल पोल की एमसीबी। इसमें ब्लैक वायर आप ये आप देख लीजिए, ये वाली वायर ये न्यूट्रल वायर है यानी कि ठंडी तार, इसके साथ में इसको लगा लीजिए। इस पॉइंट पे आप कस दीजिए इसको, इसके अलावा इस पॉइंट पे भी आप कस सकते हैं। ये आगे सप्लाई की फेज वाली तार वायर जिसको गर्म वायर भी बोलते हैं, इसको आप स्विच है इधर स्विच के इस पॉइंट पे लगा लीजिए। अब आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पोल एमसीबी के कनेक्शन करते हुए और स्विच बोर्ड के साथ में। इसमें रह गया है इंडिकेटर, इंडिकेटर के लिए आपको अलग सी वायर लेनी होगी इस तरह की। इंडिकेटर के ये वाले पॉइंट पे इस वायर को लगा दीजिए। और ये वाली वायर को आप इस पॉइंट पे लगा लीजिए। इस प्रकार से वायर को बॉक्स के बाहर निकाल लीजिए। अगर एमसीबी बॉक्स के अंदर लगी है तब बॉक्स के अंदर रखिए बोर्ड के अंदर, और अगर बाहर लगी है तो बाहर इसको निकाल लीजिए इस तरह से। इस तरह से निकाल लीजिए। इसके अंदर के कनेक्शन वायरिंग आपने देख ले होंगे, ये वायर है दोनों इंडिकेटर के, दोनों वायर को आगे से साफ कर लीजिए, इसके तार बाहर से निकल जाएं इस तरह से। इंडिकेटर की रेड वायर आप एमसीबी के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। पॉइंट पे लगा दीजिए। इंडिकेटर की ये वाली वायर कहाँ पे लगाएंगे, ये आप लगाएंगे यहाँ पे इस पे। इस वायर को एक्स्ट्रा है अंदर कर दीजिए, सभी वायर जो आपको लगे अंदर डालने वाली। ये हो गया इस तरह से। सिंगल पोल एमसीबी में भी ऑफ इंडिकेटर पे लग गया और इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड की वायरिंग भी हो गई है। स्विच बोर्ड में सॉकेट लगा है, इंडिकेटर, स्विच, बल्ब होल्डर और इधर सिंगल पोल एमसीबी। बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा लीजिए, ये लग गया। एमसीबी को आप चालू कर लीजिए, चालू कीजिए अच्छे से, बल्ब भी चल रहा है, रोशनी सही है। अभी आप दिखाई दे रहा होगा आपको इंडिकेटर नहीं चल रहा। कुछ भी दिक्कत आती है वायरिंग में कहीं भी, एमसीबी ट्रिप होती है, इंडिकेटर जलना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए एमसीबी चालू करते ही इंडिकेटर इसमें बंद हो गया और बोर्ड की सप्लाई चालू हो गई है।
इस तरह से आप खुद से सिंगल पोल एमसीबी में ऑफ इंडिकेटर लगा पाएंगे स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन वायरिंग कर करके। उम्मीद करते हैं ये वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।